हेलो एवरीवन, मैं प्रिया आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल प्रिया दी ब्लॉग में। कैसे हो आप? से उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। सो प्रियो, बताया जाए आप लोग कहाँ चल रहे हैं, बताओ। तो बाई टाइटल आप लोगों को पता चली गया होगा कि हम चल रहे हैं हमारे ससुराल। कौन सा काम है चल के आपको ज़रूर दिखाएंगे। काफ़ी लेट हो गया, जब बच्चे होते हैं ना तो यही दिक्कत हो जाती है। हाँ, यही दिक्कत है प्रियो, कर लो। देखो कैसे कॉपी करती है। ए बिट्टू, ये देखो ए प्रियू, 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 ए प्रियू, प्रियू, वेला राजा बच्चा, मम्मा की जान। छोटा सा बच्चा कर रहा है, देखो। लेकिन यहाँ पर मैं किसी को पहचान नहीं रही हूँ। जो भी मुझे ले रहा है मैं रोने लगती हूँ। देखो मेरे आँखों से कितने आँसू गिर रहे हैं। बेटी इधर देखो, देखो हमारी बच्ची कितना सुंदर कपड़ा पहनी है, कितना सुंदर। बेटी इधर देखो, कर दो। सो फ्रेंड्स, हम घर आ गए हैं। सो सॉरी कि मैं आप लोगों से रास्ते में बात नहीं कर पाई। एक्चुअली मैंने एक वीडियो पोस्टिंग पे लगाया हुआ था और अगर मैं YouTube बंद कर देती तो फिर पोस्ट नहीं हो पाता। पता है लखनऊ से निकले तब पोस्टिंग पे लगाए थे, घर पहुंच गए तब घर दिख रहा था, तब जाके पोस्ट हुआ है। सो ब्लॉगिंग ही नहीं हो पाई, क्यों बिट्टू? तो अब हमारे घर देखो, आते ही सब लोग तैयारियों में जुट गए हैं। अभी सब कुछ दिखाया जाएगा। एक्चुअली मैं आपको बता दूं, जब दीप की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी आफ्टर ऑपरेशन, तो दीप ने एक मन्नत मांगी थी कि अगर सब कुछ सही हो जाएगा तो वो जो है ब्राह्मण को भोजन कराएंगे। तो वही है हमारे यहाँ नवमी के दिन की, नवमी के दिन, और माता रानी की कृपा से सब कुछ ठीक हो गया। तो वही है, अब सारी व्यवस्था हो रही है। हम लोग आ गए, थोड़ा सा लेट हो गया। क्यों बिट्टू, सब छे हाई कर लो। बिट्टू देखो, बिट्टू का कपड़ा कैसा लग रहा है कमेंट में जरूर बताना। ये बिट्टू थोड़ा वो नहीं, उस ऊपर से थोड़ा नीचे करिए ये टी-शर्ट। अच्छा, बहुत ऊपर उठ गया क्या? हाँ, ये फ्रंट पे, हाँ फ्रंट पे ऊपर उठ गया ज्यादा। हाँ थोड़ा सा, हाँ तो अच्छे ये नहीं, पेट के पास थोड़ा सही करिए, थोड़ा सा वहाँ, मतलब ऐसा पूरा ऊपर उठ गया अजीब सा। हाँ अब जब करेंगे तो सही हो जाएगा थोड़ा सा। हाँ अब सही लग रहा है। अभी इतनी देर से रिकॉर्ड कर रही हूँ, मैं बोल रही हूँ आप लोग देखो मेरे बिट्टू का कपड़ा कैसे लग रहा है, बता नहीं रही कैसे लग रहा है। अपने हाथ में पकड़ा तो ऊपर उठ गया, पूरा पेट ही खुल गया था इसीलिए। चल भी तो भैया चले बाहर, बिट्टी चलो, अच्छा चल बाहर, चले चलो आओ, चले आ जाओ, चल के आओ, तब चल के आओ, तभी आओ, चल के आओ, चल के आओ। तो अब हम इग्नोर करना, लाइट एक भी नहीं चल रही है, एक भी नहीं, अंधेरा अंधेरा, कर्टन भी बंद, इग्नोर करना क्वालिटी। पता है मुझे, मेरी तबीयत ठीक नहीं तो मैंने कान में छोटा छोटा सा पहन लिया अपना, और ये वाला मंगलसूत्र पहन लिया, कुछ मनी नहीं किया। कैसे हो जा रहे हैं,
हे प्रियू, क्या कर रही हो? दादू के घर आके इतनी छूट मिल गई है। अच्छा हो गया, भाभी अच्छी आवत है। अच्छी ना है तो किसी टेंपरेचर को बोल बोल बस तो है ना, अच्छी आवत हो। हे व्यक्ति अब आवत और ये भी तू ही सब का है। देखा चंदन को फुर्सत मिली जी, चंदन को फुर्सत मिली है। मैं जाने हां ये ब्लू कलर में आवत है, लाइट ऑफ वाइट ना है ही से बिल्कुल। आज तो क्वालिटी पता है कैसे आवत है, जैसे पहले आवत रही। ओ तेरी ए बित्ती, सारा मटर गिरा दोगी। दूर से दूर से हम छुए नहीं आए, जैसे दूर है। अब टमाटर उड़ था छुए भगवान ऐसे उन्नत करा कहो मम्मा मम्मा जीजू उठाए ला बच्चा चाहे पीजी ना छीले कहिए कैसे बोला गाइस, ये लड़की ना बहुत बड़ी धोखेबाज है। गाइस मैं क्या करूं, मैं कैसे लग रही हूं? गाइस आज मैंने सुबह से कुछ भी नहीं किया, देख रहे हो कैसे हैं? ये तो तैयार हो यार, ये है ये बताओ ये कैमरा कैसे आवा था ना, बड़ा अजीब सा आ रहा है, पता नहीं ब्लैक कलेक्शन की दिख एक काम रहा उड़ जा हम बहुत दुबराई के तो ना सोका थे मोटाई गई हो ऐसे राइट पर बताओ ये बार चेहरा अब देखो एक तो एक माछी मेरे पीछे पड़ी है कब से पसंद आई है आपके ये है मेरा गांव हम लोग एकदम किनारे पे हैं, गांव से हम लोग का मतलब ही नहीं है। वाली बात तो ये, सही बात तो ये है, सिर्फ मेरे घर एक ही घर सामने हम लोग के घर, बाकी हम लोग सिंगल, हम लोग किसी मतलब नहीं रखते। तो सही बात हम बोलेंगे ऐसी कोई बात नहीं है, मतलब सबसे है, जो मतलब रखता है उससे है, जो नहीं रखता नहीं। सीधी सी वो तो हर किसी के गांव में होता है। क्यों हम लोग आते अपने घर में अंदर गए बैठे बैठे काम किए, उसके बाद निकल गए फिर लखनऊ, किसी से मिलना उलना होता ही नहीं है, तो अकेले हुए ना हम, किसी मतलब कहाँ है यही मतलब आजू बाजू के सब लोग आ जाते हैं, सब बड़ी मम्मी वगैरह सब लोग आती हैं तो मिल उल लेते हैं, बाकी अपने अपने काम करने। और एक काम ये जो है अपना जो है वो क्या जानवर चुराए के भागत है चलो बहुत सारा काम भाई हम कुछ नहीं कर रहे थे, करो आज कुछ पहन लाए छोड़ के टप भी पहन ली नहीं तो बिल्कुल ऐसा लगा था कि देखो देखा हम काम नहीं कर झूठ बोला थे, देख ली क्रेडिट ले था इन, क्रेडिट ले था इन झूठा ही और क्या?
नहले पे दहला वाह गुड गुड नंदन इस लड़की से काम कराया जाए नहीं तो शादी करके ससुराल जाएगी कुछ काम नहीं आएगा इनको तो यहाँ पर हम सब लोग मिलके प्याज लहसुन ये सब छील रहे हैं आप देख ही सकते हो यहाँ पर प्रियो भी सबका काम आसान कर दे रही हैं एक एक चीज़ उठा उठा के फेंक रही हैं चंदन आ गए प्रियो को ले गए तो यहाँ पर हम और नंदन बैठ के प्याज छील रहे हैं और ये हमारे बगल के मतलब जेठ जी हैं इसलिए मुझे जो है पर्दा करना पड़ रहा है कभी कभी आते हैं ना इसीलिए अदरवाइज पर्दा पर्दा मैं नहीं करती लेकिन करना पड़ रहा है तो यहाँ पर अब लहसुन छीला जा रहा है प्याज का काम हो गया है चंदन देखो कैसे प्याज कट कर रहे हैं तो सारी रेसिपी तो आप लोग के साथ नहीं शेयर कर सकती बट क्या कुछ बन रहा है मैं आपको बता दूँ ब्राह्मण के यहाँ कद्दू पूरी ऐसा मतलब सब्जी ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता इसके बाद खीर थी और पनीर तो भाई पनीर ना हो तो समझ लो किस चीज़ का न्योता है ना तो कद्दू की सब्जी पनीर की सब्जी इसके बाद खीर थी पूड़ी थी दाल था चावल था सैलेड था तो इतना कुछ था और इतना कुछ तो हम रिकॉर्ड कर नहीं पाते ये जो आवाज़ सुन रहे हो ना नेहा है ये सांप को बुला रही है क्योंकि ये सांपनी है इसीलिए वो करके सांप की आवाज़ इनको समझ आती है भाषा उनकी तो यहाँ पर भाई शोर मुझे करने नहीं दे रही हैं देखो कितना सारा मसाला वगैरह पड़ा था तो अब ये सब नेहा मुझे वॉइस ओवर नहीं करने दे रही आप लोगों से बाद में बात करेंगे देखो गाइस ये प्रियो मुझे करने नहीं दे रही है प्रियो रो रही है ये देखो सच बता रही हूँ अगर मेरे सामने कुछ लोग खड़े होते ना तो मुझसे वॉइस ओवर नहीं हो सकता इधर मेरी पूरी फैमिली खड़ी हुई है मेरे सामने मेरा जितना बड़ा खानदान है तो यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ मैं क्या कर रही हूँ प्रियो को देखो पूरी खा रही है मैं हूँ कहाँ चंदन नंदन पूरी बना रहे हैं यहाँ पर प्रियो मस्ती कर रही है मैं तो दिख ही नहीं रही हूँ ओ ओ यहाँ हूँ मैं अभी दिख रही हूँ देखो यहाँ पर हम लोग इतनी मस्ती किए थे ना इतनी मस्ती की आपको बता नहीं सकती मैं मेरे बच्चों को बहुत ही ज़्यादा चिढ़ा रही थी तो वीडियो बहुत लंबा था इसलिए यहाँ पर स्पीड बढ़ा दी गई है और मस्ती थोड़ी बहुत हटा दी गई है बाकी थोड़ा बहुत है आप लोग भी इंजॉय करो hey चंदन बताओ ना आया किनाई आज अब जा रहे फोन की डेडी है उनका इतने साल में अपने गर्लफ्रेंड के पांच दिन लेकिन बहुत अच्छा ना आई थी फोन आ गया 5 दिन में तो 5 साल जा रहे भाई टीचर से मना करा नहीं ना हे गाइस हमारी भाभी पता नहीं कहां हम लोगों को फिर साथ लेके जा रही हैं देखो मैं चल रहा हूं चला जाती है इतना बड़ा हो गया यार मैं संतूर सास बनना चाह रही लेकिन ये मुझे बना नहीं रहा है क्या मैं बताऊं हमका संतूर सास बने अब मैं बस यही चल रहे चाहे चाहे जब शादी करेगा मैं तो आराम से तैयार होके इसके कार में सबसे पहले मैं बैठूंगी ये बताया जा रहा है कहां बताया दी रीना सीना दीना मीना चिंका भी ये नहीं है सीना मीना इंगा चिंगा आटा ले आटा ले आटन क्या रहा निकाल दिया आटा आटा हटावा आटा हटावा आगे से सो फ्रेंड्स फाइनली मेरी जो दिली इच्छा थी कि मैं मेरी ननद से काम कराऊं वो अब जाके पूरी हो गई है फोन का देखा पिछले मैंने मलिकाना दे दिया हुआ है मेरी ननद बड़ी छोटी जो भी है यही है धोए पोछे कहीं नहीं बड़ी माना छोड़
तो यहाँ पर सब लोग बैठ गए हैं प्रसाद खाने के लिए, और नेहा जो है चुप चुप कर रही है, मेरी बिटिया रानी को डांट रही है, मेरी छोटी सी प्रिंसेस को। बहुत बदमाश हो गई है नेहा। हाँ, अब के लॉक कर दिए। हाँ छोटू पाड़े। तो यहाँ पर भाई मुझसे भाई सुबह नहीं हो पा रहे, बस आप लोग वीडियो को लाइक कर देना। हाँ हम लोग खा पी लें, इसके बाद आपसे मिलेंगे रात में। इतना खाइए क्या बताओ, थोड़ी सी क्लिप रखवाई है। ओहो कितना ली हूँ, देख लो आप लोग, देख लो मैं कितना खा रही हूँ, देख रहे हो ना आप लोग। भाई आधी पूड़ी लेके बैठी हूँ थोड़ी देर। देखो हमारा बैकग्राउंड यही है आज का। सो फ्रेंड्स फाइनली सब लोग खा लिए हैं, और मैं नहीं खाई हूँ अभी, दो ठे लड़की पूड़ी खाई है। अरे जानवी अब सब जा रहे हैं, हम जा रहे हैं उनको छोड़ने, और छोड़ के आते हैं फिर आप लोगों से बात करते हैं। बिटिया हमारी सो रही है, देखो आ गए, जस्ट वन मिनट, ये लड़की मुझे जाने नहीं दे रही है। देखो 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 चांद, अभी हम चांद देख रहे हैं, कहाँ बा वाह वाह बहुत सुंदर लग रहा है, छुपा नहीं है सामने दिख रहा है। चलिए सो फ्रेंड रात के बज गए 11:30 और अब हम जा रहे हैं सोने। हालत एकदम खराब हो गई, कैसे एंड करोगी। तो करते हैं इस व्लॉग का एंड, मिलेंगे आप अपने नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, लव यू ऑल गाइस। सुन नेहा मार देंगे वो ग्लास तक ढक कर रही है। तो मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में गाइस, बाय बाय।